हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास क्लासेज सीटेंड मैथ्स प्रिपरेशन के यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं शाम को पाँच बजे चलती हैं इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है क्लास वन के नाम से वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था आज जहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किया है वहाँ पर मैंने नंबरिंग डिस्कस किया था है ना तो नंबर से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि इंटीजर्स है होल नंबर्स हैं ये सारी चीज़ें हैं वो सारे नंबर्स और उन पर रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने कल कराया था ठीक है आज यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं मतलब कोई नंबर अगर आपको दे दी जाए और उससे ऑप्शनस में आपके ऑप्शन आ जाएँ कि तीन से विभाजित होगा चार से से, छह से ऐसे आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ये जो है आज दूसरी क्लास है तो चले यहां पे करते हैं। सबसे पहला नंबर यहां पे दो, दो, दो आखिरी अंक जीरो या सम संख्या होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखते हैं 520 ठीक है 520 है तो इसके आखिरी संख्या में या तो जीरो हो, तो ये दो से डिवाइड होगी या तो लास्ट में आपकी आठ हो अगर लास्ट में आठ है तब ये डिवाइड होगी मतलब ये दो कंडीशंस अगर होती हैं तो ये दो से डिविजिबल मानी जाती हैं ठीक है बाई थ्री अगर तीन की बात करें तो अंकों का जोड़ होता है जो उसका भाग होना चाहिए ठीक है तो अंकों का जोड़ तीन से भाग होना चाहिए जैसे यहाँ पे देखते हैं वन नाइन सेवन वन है इसको हम जोड़ते हैं अगर तो सात एक आठ आठ एक नौ और नौ नौ अट्ठारह अट्ठारह को अगर हम तीन से भाग करते हैं तो तीन छका अट्ठारह जाता है यहाँ पे मतलब ये कट गया तो कहीं ना कहीं ये तीन से विभाजित हो जाएगा तो ऐसे एग्जांपल्स जिनका एडिशन तीन से यहाँ पे डिवाइड डिवाइड हो जाए वो जो है तीन से डिविजिबल होते हैं ठीक है ऑप्शन में यहाँ पे जो देखिए फोर की गिनती की बात करें तो चार से कौन कौन सी संख्याएँ विभाजित होंगी कैसे आप पहचान सकते हैं तो उसके लिए जो रूल है ना आखिर दो के अंक ठीक है आखिरी के दो अंक चार से विभाजित हों या दोनों जीरो हों ऐसे कंडीशन में आप ये माना जाएगा कि चार से विभाजित हो सकता है जैसे एक है तो आखिरी के दो अंक की बात कर रहा है ठीक है तो आखिरी के दो अंक अट्ठाइस मीन चार सौ अट्ठाईस चार से कट गए इसका मतलब ये चार से डिविजिबल है अगर यहीं पर लास्ट में डबल जीरो होता तो हमें डिवाइड करने की बात ही नहीं थी डबल ज़ीरो देख के ही जो है हम यहाँ पे मान लेते कि चार से डिविजिबल है और अगर सिंगल जीरो होता है तो दो से डिविजिबल होता है जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया यहाँ पे देखिए पांचवा आ जाता है कि पाँच से भाई कौन से कट सकते हैं नंबर्स तो देखिए आखिरी के अंक जीरो हो या पांच हो जैसे देख सकते हैं सत्रह सौ नब्बे जीरो है इसका मतलब ये पांच से भी डिवाइड हो जाएगा साथ ही साथ वन सेवन फाइव है तो तो पे देखिए लास्ट में फाइव है, तो फाइव है ये से डिवाइड हो जाएगा ठीक है इस तरीके से पांचवा आप जो है यहां पे आसानी से इसको पहचान सकते हैं देखिए छठा है जब अंक दो या तीन दोनों से विभाजित हो तो ऐसे छत्तीस जैसे एग्जाम्पल में छत्तीस है मतलब दो के रूल्स यहां पर लगने चाहिए और तीन के रूल्स लगने चाहिए ठीक है क्या रूल्स है देख लेते हैं एक बार देखिए सारे को जोड़ के तीन से भाग दिया जाए तब डिवाइड हो जाए या तो लास्ट लास्ट में जो है आठ हो ऐसा केस यहाँ पे कहा जा रहा है ठीक है देखिए यहाँ पे अगर हम तीन को देखिए छः तीन नौ जोड़ लेते हैं तीन से कट गया तीन त्रिक्का नौ बातर है सात दो नौ तीन से डिवाइड करेंगे तो तीन और तीन तरीका ये भी कट जा रहा है ठीक है तो इस हिसाब से दो या तीन दोनों से जो विभाजित हो जाए वो यहाँ पे छः से वो चीज़ मतलब छः से डिवाइड हो जाती है ठीक है सेवन से अगर देखिए सेवन से कौन कौन सी संख्याएं जो डिवाइड होती है तो आखिरी का अंक डबल कर दिया जाता है जब सात से डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं तो आखिरी का अंक डबल जैसे एग्जाम्पल छः से क्या होना है तो इसके आखिर में एक है तो एक का अगर डबल करें कितना हो जाएगा दो हो जाएगा और बचे हुए से माइनस बचा कौन पैंसठ आखिरी एक था उसका मैंने यहाँ पे निकाल लिया दो आ गया डबल कर दिया बचा पैंसठ तो पैंसठ में से अगर हम दो माइनस कर देंगे बचा हमारा तिरसठ और तिरसठ को सात से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा नौ सतह तिरसठ तिरसठ कट गया तो ये कही न कहीं ना कहीं सात से डिविज़िबल है तो सात की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भाई कि जो अंक है लास्ट वाले अंक को डबल कर दो और जो उसके पहले बच रहे हैं उसमें से माइनस कर दो जो रिजल्ट निकला है उसको सात से जो है डिवाइड कर दो अगर हो जाता है तो ये डिविजिबल है सात से ठीक है आठ की अगर हम बात कर लें तो आखिरी के तीन अंक आठ से विभाजित हो मतलब दो है ये तीन अंक आठ से विभाजित होने चाहिए आठ से भाग करेंगे आठ तरीक चौबीस जाएगा यहाँ पे सोलह आठ दूनी सो ले जाएगा तो सोलह कट गया मतलब कहीं ना कहीं आठ से विभाजित है ये चीज़ तो आपका टू टू फाइव सिक्स जो है हो जाएगा इसका विभा विभाजित हो जाएगा ठीक है ये आठ के रूल हो गए नाइन्थ के रूल की अगर हम बात करें तो सभी अंकों का जोड़ नौ से विभाजित होना चाहिए ठीक है देखिए नौ दो नौ दो ग्यारह ग्यारह एक बारह बारह छः जो है यहाँ पे कितना हो गया बारह छः अट्ठारह हो गया नौ से डिवाइड करेंगे नौ दो नहीं अट्ठारह आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भी कट गया तो ये जो हमारा रूल हो गया ये नौ का हो गया ठीक है दस का देखिए आखिरी में जीरो होना चाहिए तो यहाँ पे देखिए जीरो आपको दिख रहा है तो ये दस का रूल हो गया ग्यारह का, का रूल कहता है ऑर्डर एंड इवन प्लेस का अंतर हो हो या तो जीरो हो या तो ग्यारह का मल्टीपल हो मतलब इवन आउट मतलब इवन आउट कहने का मतलब ये है जैसे टू वन सेवन थ्री है एक एक ले लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे टू ले लिया सेवन ले लिया एट ले लिया ठीक है अल्टरनेट गिनती को ले लेते हैं टू सेवन एट कितना हो गया आठ सात पंद्रह दो सत्रह हो गया यहाँ पे ठीक बचा क्या वन प्लस थ्री प्लस टू तीन दो पाँच एक छः बच गया दोनों का अंतर निकालेंगे अगर हम तो मुझे ये मिलेगा ग्यारह ग्यारह का मल्टीपल है ग्यारह का मल्टीपल है कट जाएगा तो ये जो है ग्यारह से डिवाइड हो जाएगा यही रूल कहता है ठीक है मतलब इवन एंड आउट प्लेस के अंतर को जोड़ना है अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ लीजिए ठीक है दोनों को जोड़ के और जो सम है उसको एक दूसरे से माइनस करा दीजिए फिर जो आंसर है वो अगर डिविजिबल है 11 से तो ये जो है डिविजिबिलिटी रूल पास हो जाएगी कि हाँ 11 से ये चीज़ हो जाएगा ठीक है यहाँ पर थर्टीन लोग देख लेते हैं थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है देखिए आखिरी देखिए थर्टींथ रूल क्या कहता है आखिरी अंक का चार गुना बचा हुआ अंक ऐड कर देंगे उसमें ठीक है जैसे देखिए तेरह छब्बीस है तो आखिरी का चार गुना मतलब छः का चार गुना चौबीस हो गया बचा कौन कौन सा एक सौ बत्तीस बचा टोटल कितना हो जाएगा चार दो छः तीन देखो चार दो छः तीन दो पाँच एक सौ छप्पन आएगा ठीक है सेम फिर इसी में रिपीट करना है कि आखिरी अंक का तो चार गुना कर देना है तो छः चौके चौबीस और बच कितना रहा है पंद्रह इसमें पंद्रह जोड़ देते हैं ठीक तो पाँच चार नौ और दो एक तीन थर्टी नाइन आ गया यहाँ पे ये जो आया क्या ये तेरह से डिविजिबल है तो हाँ तेरह तीह उनतास तीन बार जाएगा तो अगर ये डिविजिबल है तो तेरह की डिविजिबिलिटी रूल पास हो रही है ये गिनती आपकी तेरह से डिविजिबल हो जाएगी ठीक है ये इसमें तरीका था ठीक है सेवनटीन देखते हैं आखिरी का पाँच गुना और बचे हुए से माइनस देन डिवाइडेड बाई सेवनटीन आखिरी का पाँच गुना मतलब जो लास्ट वाला इसका पाँच गुना करते हैं और फिर बचे हुए से माइनस मीस बाईस माइनस पाँच कर दिया हमने तो मेरे को जो है सत्रह मिल गया यहाँ पे अब क्या सत्रह से कट रहा है हाँ सत्रह सत्रह से कट रहा है तो ये जो है सेवेंटीन की डिविजिबिलिटी रूल हो गई ठीक है तो ये पूरी जो डिविजिबिलिटी रूल रूल थी एक एक लाइन में, में मैंने करके लिखा है जिसको आप आसानी से समझ के इसको याद कर सकते हो ठीक है अब चलिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड जिससे आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में ठीक है देखिए तो क्वेश्चन है यहाँ पे वॉट लीस्ट वैलू मस्ट बी गिवन टू एन सो दैट द नंबर एन बिकम्स डिविजल बाई नाइन देखिए इसका हिंदी का मतलब ये है कि एन की कौन इतनी कौन सी कम से कम संख्या लें जो यहाँ पे रखी जाए और नौ से विभाजित भी हो जाए ठीक है तो नौ के रूल्स क्या कहते हैं चलिए एक बार हम लोग देख आते हैं कि नौ के रूल्स कहते क्या है सभी अंकों का जोड़ नौ से विभाजित होना चाहिए तो नौ के रूल यही कह रहे हैं तो चलिए यहाँ पे सभी अंकों का हम जोड़ निकाल लेते हैं देखिए छः एक सात हो गया सात तीन दस हो गया दस पाँच पंद्रह हो गया पंद्रह दो सत्रह हो गया तो सत्रह में कितना जोड़ दें भाई कि नौ से डिवाइड हो जाए तो नौ दो नहीं अट्ठारह जाएगा सत्रह के आसपास अट्ठारह अगर एक जोड़ देंगे अट्ठारह बन जाएगा तो एन की लीस्ट संख्या बोली जा रही है तो एक तो वही लीस्ट ही है एक से छोटा क्या होता है एक लीस्ट हो गया मतलब ऑप्शन नंबर आपका वन हो जाएगा ठीक है ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर दो की अगर हम बात कर लें तो देखिए फाइंड द मल्टीपल ऑफ़ इलेवन इन द फॉलोइंग नंबर्स इलेवन के जो है मल्टीपल निकालना है इलेवन की डिविजिबिलिटी रूल क्या है एक बार इसको भी देख लेते हैं हम लोग ठीक है इसको याद कर लेना पी टेलीग्राम में डलवा देंगे देखिए ऑड एंड इवन प्लेस का अंतर या तो जीरो हो या तो इलेवन से डिविजिबल हो जाए ठीक है तो चलिए ऑड एंड इवन प्लेस की जो है संख्या है इसको हम यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं ठीक है देखिए सबसे पहले यहाँ पे वन है टू है दो एक तीन हो गया तीन चार सात हो गया ठीक सात चार एक पाँच एक छः माइनस एक कितना बच रहा है एक बच रहा है ये नहीं होगा ठीक ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया देखिए चार सात चार ग्यारह ग्यारह पाँच अल्टरनेट नंबर जोड़ रहा हूँ मैं ठीक है सात चार ग्यारह ग्यारह पाँच सोलह ठीक है सोलह हो गया बचा क्या चार तीन सात पाँच बारह माइनस बारह करता हूँ बचता है चार ठीक ये भी कैंसिल यहाँ पर देखते हैं आठ नौ आठ सत्रह सत्रह पाँच जो है इक्कीस ठीक है सत्रह पाँच जो है बाईस हो जाएगा बाईस माइनस छः और छः सात छः तेरह और तेरह छः कितना हो जाएगा अट्ठारह है ना तेरह छः उन्नीस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका उन्नीस बीस इक्कीस बाईस यहाँ पे तीन आ रहा है ठीक है ये भी नहीं कट रहा है लास्ट वाला नौ आठ सत्रह सत्रह दो उन्नीस माइनस नौ आठ सत्रह दो उन्नीस सात छः तेरह छः उन्नीस उन्नीस माइनस उन्नीस जीरो देखिए रूल क्या था इलेवन का इलेवन का रूल था या तो जीरो हो जाए ठीक है अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ के सम और विषम संख्या के स्थान वालों को या तो ग्यारह से डिविजिबल हो जाए तो ग्यारह से डिविजिबिलिटी तो मुझको नहीं मिली लेकिन जीरो हमको मिल गया तो इस हिसाब से ग्यारह से डिविजिबल है तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है कि इस जगह पे भाई साहब नंबर कौन सा आएगा जो स्टार है इस प्लेस पर क्या आएगा कि ये सारी संख्या चार से डिविजिबल हो जाए ठीक है तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो चार की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है ठीक है एक बार इसको हम देख लेते हैं फिर आगे जो है करते हैं ठीक है चार की डिविज़िबिलिटी रूल कहती है कि आखिरी के दो अंक चार से विभाजित हों या दोनों जीरो हों देखिए तो यहाँ पर वही चीज़ करना है ना कि आखिरी के जो अंक हैं वो चार से विभाजित होने चाहिए दो अंक मीन्स आठ आठ और ये स्पेस ठीक तो देखिए चार से अगर डिवाइड करेंगे तो आठ तो हमारा रहेगा ही अगर आठ के साथ हम दो रखते हैं तो चार दोनी आठ तो कट रहा है लेकिन यहाँ पे दो नहीं कटेगा फिर ठीक ये ऑप्शन कैंसिल तीन रखेंगे तीन भी नहीं कटेगा ये भी कैंसिल अगर चार रखते हैं तो कहीं ना कहीं चार दोनों आठ चार एक कम चार कट जाएगा अगर लेकिन छः रखते हैं छः भी नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे आ गया ठीक है लास्ट वाले क्या दो ही अंक डिवाइड करते हैं चार की डिविजिबिलिटी रूल के लिए तो इस हिसाब से यहाँ पे ये आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाई इलेवन इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ द डिजिट इन ऑर्ड एंड इवन प्लेस देखिए इलेवन की रूल रूल डिविजिबिलिटी क्या कहती है जो भाग्य दी है कि देखिए जो सम होता है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द इन ऑर्ड एंड इवन प्लेस ऑर्ड और इवन प्लेस की जो सम और विषम संख्या के स्थान के अंतर को ही करके निकालते हैं ग्यारह ठीक है एकदम सही कह रहे ये तो यही पूछ रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ये अब मल्टीपल ऑफ थ्री होता है वो कि मल्टीपल ऑफ फाइव होता है कि मल्टीपल ऑफ़ सेवन होता है मल्टीपल ऑफ इलेवन होता है तो हमें पता है इलेवन की जब हम सारी रूल्स यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं सम विषम संख्या का जोड़ या अंतर निकाल लेते हैं तो लास्ट में या तो जीरो तो आना चाहिए या तो ग्यारह आना चाहिए तो इस हिसाब से मल्टीपल ऑफ ग्यारह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं पांच पांच क्या कह रहा है कि इफ़ एम एन एन आर इंटीजर्स हैं एक इंटीजर से प्राकृतिक संख्या है जो कि पांच से डिवाइड हो रही है तो एम और एन की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि दस से डिवाइड हो जाए यहाँ पे कौन से रखें कि पाँच से हो जाए यहाँ पे क्या रखें पच्चीस से हो जाए तो इनमें से कौन सा सही है बताना ठीक है देखिए मिनिमम यहां पे दस है तो हम जो है दस लेके चलते हैं मिनिमम पे वैल्यू ठीक है क्योंकि प्लस माइनस की बात है तो दस मिनिमम यहां पे ले लेते ले हैं ठीक है ये एक हमने ले लिया पांच का ठीक एम ले लिया और एक ले लेते ले हैं पंद्रह दो गिनती हमने ले लिया कि ये ले लिया और यहां पे एन ले लिया ठीक है फिर देखिए क्या कह रहा है m प्लस एन अगर हम दोनों को प्लस करते हैं दस प्लस पंद्रह कितना हो जाएगा पंद्रह तो क्या है? दस से डिवाइड होगा डिविजिबल लिखा है ना डिवाइड होगा नहीं डिवाइड नहीं होगा ऑप्शन नंबर पहला कैंसिल हो जाएगा कह रहा है नॉट नेसेसरली ट्रू कौन सा ट्रू नहीं है तो मुझको पहले ही मिल गया ट्रू नहीं है लेकिन दूसरा भी चेक कर लेते हैं एम माइनस एन एम मीन्स कि दस दस माइनस पंद्रह में माइनस पाँच तो क्या ये पाँच से डिवाइड है हाँ पाँच से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे माइनस और प्लस हमको नहीं देखना सिर्फ गिनती के डिवाइड करना है ये हमारा सही हो गया ये भी सही हो जाएगा तो कुल मिला के हमें पहले ही गलत मिल गया तो ये चीज़ हमारा जो है गलत हो गया इसमें क्या करना था सिर्फ एम और एन की एक सिंपल सी वैल्यू आपको लेट करनी थी और वही रख के सिर्फ सॉल्व कर लेना था ठीक है देखिए थ्री टू फाइव थ्री टू फाइव इज़ सिक्स डिजिट नंबर इट इज़ डिविजिबल बाई कितने से ये डिविजिबल होगी ग्यारह का रूल मैंने पढ़ा था सम और विषम सम विषम संख्या का यहाँ पे एडिशन तो यही सबसे पहले कर लेते हैं देखिए पाँच तीन आठ आठ दो दस हो गया ठीक तीन दो पाँच पाँच दस माइनस दस कितना आ गया जीरो तो कहीं ना कहीं इलेवन के डिविजिबिलिटी रूल में ये चीज़ था कि लास्ट में जीरो इलेवन आना चाहिए तो एलेवन से तो डिवाइड हो रहा है भाई साहब एक ऑप्शन तो हमें मिल गया सात से होगा कि नहीं तो सात की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती थी चलिए इसको एक बार देख लेते हैं देखिए सात आखिरी का अंक का डबल करके और बचे हुए से माइनस कर देना है ठीक है आखिरी का जो अंक है उसको डबल करके और बचे हुए से माइनस कर देना है तो काफ़ी बड़ी गिनती हो जाएगी लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रयास करते हैं कि कैसे आएगा देखिए आखिरी का डबल कर देना मीन्स पाँच धोनी दस हो जाएगा और बच कितना रहा है बत्तीस तिरपन दो दस माइनस करेंगे बत्तीस पाँच सौ बाईस आ गया क्या ये सात से डिवाइड होगा तो देख लेते हैं बत्तीस पाँच सौ बाईस क्या ये सात से डिवाइड होगा सात से डिवाइड करें सात छो के अट्ठाइस यहाँ बचेगा चार पैंतालीस सात छ के बयालीस हो जाएगा यहाँ पे तीन बचा बत्तीस ठीक सात छो के अट्ठाईस सात छ के अट्ठाइस जाएगा बचेगा चार सात छ के बयालीस कट रहा है सात से भी कट रहा है इलेवन से भी कट रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन हमें मिल रहा है ना कि सात ग्यारह तेरह तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि देखिए दो ऑप्शन तो मैंने चेक कर लिए दोनों यहाँ पे मतलब वेरीफाई हैं इलेवन तो थर्टीन तो एक लौता कैंसिल होगा नहीं क्योंकि ऐसे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी तो मिल रहा है नन ऑफ द एब कोई ऑप्शन है नहीं तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा तो इस तरीके से जो सवाल है आपका ये आपका सवाल हो जाता है जो भी नंबर सिस्टम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स के सवाल थे आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे और कैसे करना है और किस गिनती में क्या चीज़ है देखिए एक एक लाइन में बड़े अच्छे से मैंने नोट्स बनाया हुआ है इसको एक एक लाइन आप पढ़ लेंगे ना आपको आ जाएगा नीचे एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है तो इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हो ठीक है वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करके इसको जो है शेयर कर दीजिएगा जिससे सभी लोगों तक पहुंच पाए और इस चीज को वो समझ पाए ठीक है ठीके? इसी टाइम प्रिपरेशन पे होगी और साइंस की भी क्लासेस आपकी स्टार्ट की गई हैं तो साइंस भी आप देख सकते हैं एक दो घंटे बाद शाम को आई होप सात बजे के आसपास वीडियो आपको मिल जाएगी साइंस की भी वीडियोज और कल से जो है आपकी ईवीएस की भी वीडियोस आपको मिलने लगेगी ठीक है तो आप चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करके ब्लैक एंड प्रेस कर लीजिएगा जिससे डेली आपको प्रिपरेशन आप आसानी से कर पाए ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे